ये भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने यहाँ पे मेरे वेबसाइट की नाम डाला, उसके बाद स्लैश डाला, उसके बाद wp-admin डाला, उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, वर्डप्रेस की जो पैनल है, डैशबोर्ड पैनल है, वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा एंटर, बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के सामने, देख लीजिए कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम हो रही है और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम जो है सो हो रही है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो है मतलब कि वर्डप्रेस पैनल तो खुला ही नहीं, बल्कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक जो 404 एरर शो करवा रहे हैं यहाँ पे, देखो जो कि होम 404 नॉट फाउंड, ओप्स द पेज कैन नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से एरर आ रही है। दोस्तों इस टाइप ऑफ एरर जब आपके वेबसाइट के ऊपर आ गया ना, तो आपका वेबसाइट तो क्या, मतलब ये सोच आपका है कि मेरा वेबसाइट तो गया, बट ऐसा नहीं है। ये एरर एक ऐसा एरर है ना, इसको जब हम लोग फिक्स करेंगे, जब मैं फिक्स करूंगा, आपको देखने के बाद हंसी आ सकती है कि भाई ऐसा भी एरर हो सकती है, ऐसा भी एरर आ सकती है। जी हाँ, मतलब एक छोटा सा एक पॉइंट, मतलब एक जो है डॉट, एक डॉट के लिए एरर आ रही है। इस एरर को आप एक डॉट के थ्रू फिक्स कर सकते हो। कैसे, वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए ना, आपका जो भी आपका होस्टिंग्स अकाउंट्स है, जो भी आपका होस्टिंग सर्विस कंपनी है, उसके अकाउंट को आपको लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब उसकी सी पैनल पे। मेरे के पास जो है यहाँ पे हाल फिलहाल में जो है मेरा होस्टिंगर की अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे होस्टिंगर की एच पैनल को लॉगिन किया हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे वेबसाइट की नाम आ चुका। मैं करूँगा इस मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक। आप लोगों का जो भी सी पैनल है, सी पैनल को आप ओपन कर लीजिए, आपका जो भी होस्टिंग अकाउंट्स है उसकी सी पैनल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है, और आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एकदम आपको एक चीज़ मिल रही है जो कि फाइल्स की। ठीक है, तो फाइल मैनेजर के ऊपर आपको जाना होगा और यहाँ पे कुछ देर होल्ड कीजिए। ये जो है फाइल मैनेजर ओपन होने में थोड़ी सी टाइम लगा सकती है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ और होस्टिंगर की फाइल मैनेजर मेरा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका सी पैनल की फाइल मैनेजर ओपन हो जाए ना, तो आपको एक चीज़ नज़र में आ जाएगा जो कि पब्लिक, और उसके बाद जो है HTML, ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, पब्लिक HTML के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा कुछ है, उनमें से आपको जो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि WP एंड उसके बाद डैश एंड उसके बाद कॉन्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको करना है डबल क्लिक, और जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि प्लगइन्स के नाम पे आपको एक चीज़ मिल जाता है, एक ऑप्शन मिल जाता है, एक फाइल मिलता है। ठीक है, तो इस प्लगइन्स के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करने हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसके ऊपर आपको टिक लगाना है, और यहाँ पे राइट साइड में मतलब ऊपर में टॉप में देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे देखो ये रीनेम का ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो पेन का निशान है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो यहाँ पे देखिए प्लगइन्स है, कुछ नहीं है, आपको इसके साथ कुछ जोड़ देना है या फिर इसको रीनेम चेंजेस कर देना। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, प्लगइन्स, उसके बाद मैं 1 जोड़ दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने इस यहाँ पे जो है ऐड कर दिया हूँ 1, उसके बाद मैं इसको करूँगा रीनेम। ठीक है, तो जैसे आप इसको रीनेम करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लगइन्स 1 हो गया मेरा रीनेम, मतलब नेम चेंज हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ से सीधे एक नए टैब पे, और जाने के बाद खोलने की कोशिश करती है आप दोबारा से जो है वर्डप्रेस की पैनल को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेरे वेबसाइट के नेम, उसके बाद wp-admin। तो मैंने अगेन जो है यहाँ पे मेरे वेबसाइट को नाम डाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने wp उसके बाद -, उसके बाद एडमिन मैंने डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं करता हूँ विजिट के बटन के ऊपर क्लिक। अभी आप लोगों के सामने देख लीजिए रिजल्ट कि कैसे ये एरर जो है फिक्स हो जाता है। अब तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पे एरर जो है फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब आप जो है यहाँ से आराम से जो है आप और यहाँ पे इसके पैनल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आई होप कि इस वीडियो देखते देखते ना आपको बहुत मजे भी आए होंगे कि हाँ भाई इस तरह का भी एरर आता है, और इसको भी जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे पहली बार मैं भी देखा था तो मैं भी डर गया था भाई क्या हो सकती है, मेरा साइट तो गया। तो चलिए मैंने आप लोगों को सिखा दूँ कि कैसे इस तरीके से एरर को फिक्स कर सकते हो, और चलिए बहुत खुश है, दूसरों को ढेर सारा खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।